हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर महेंद्र बघेल एमवीसी वेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको एक विशेष प्रकार का केस बताने जा रहा हूं और ये जो केस है मेटाटार्सल फ्रैक्चर इन कैटल। ये एक लगभग 1.5 साल का कैटल है और इसका कंप्लीट फ्रैक्चर है। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हिल रहा है। अब इसको हम कैसे रिपेयर करें या कैसे इसको मैनेजमेंट करें, इसका हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो हम जब भी फ्रैक्चर को हैंडल करते हैं तो हमें सबसे पहले एसेप्टिक चीज़ का ध्यान रखना रहता है, और एसेप्टिक जो है वो पाउडर जो रहते हैं एसेप्टिक, वो हमारे द्वारा इसके ऊपर स्प्रिंग किए जाते हैं। उसके पश्चात जो दूसरा है हमको ध्यान रखना है वो है कि जो भी हम स्प्लिन लगाते हैं या प्लास्टर चढ़ाते हैं तो उस समय कोई इंजूरी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारे द्वारा जो है कॉटन और बैंडेज का सहारा लेकर पूरा एक ऐसा बेड तैयार करते हैं कि उसको बिल्कुल इंजरी नहीं हो। तो ये हमारे द्वारा कॉटन लगाया जा रहा है। इसके ऊपर कॉटन लगाने के बाद एक प्रॉपर कॉटन लग जाएगा, उसके ऊपर हमारे द्वारा बैंडेज लगाई जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरह कॉटन लगाते हैं, ये सेकंड स्टेप होती है इसमें। और जो थर्ड स्टेप है हमारी, वो है हमारे द्वारा इसके ऊपर बैंडेज लगाई जाएगी। अब बैंडेज को बिल्कुल ही अच्छे से लगाएं ताकि ये जो पीओपी लगाएंगे या जो प्लास्टर चढ़ाएंगे हम, तो वो इससे नीचे नहीं जाए। अगर आपकी बैंडेजिंग और कॉटन लगाने का तरीका सही नहीं है तो आपका जो फाइबर कास्ट है या फिर आप पीओपी लगाओगे तो वो बिल्कुल नीचे खिसक जाएगा। तो देखिए आप किस तरह लगाया जाता है, और ट्रैक्शन भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रैक्शन सही नहीं होगा तो जो बोन होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो ट्रैक्शन दे के हमारे द्वारा इसके ऊपर बैंडेजिंग की जा रही है। बैंडेजिंग प्रॉपर होना चाहिए और बैंडेजिंग इस तरह हो कि वो जो फाइबर कास्ट हम लगाएंगे स्प्लिन लगाएंगे वो बिल्कुल नीचे नहीं आए और स्प्लिन की कोई इंजूरी भी नहीं हो। तो उस तरह हमारे द्वारा इसको पूरा बैंडेज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हम कैसे बैंडेज करते हैं, बहुत ही आसान है इसमें बैंडेज करना। लेकिन जो इसका मेन एम जो रहता है कि हमारा प्लास्टर जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए। अब नीचे नहीं आना चाहिए तो उसके लिए हम को हर स्टेप को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, तो ही हम सक्सेस होंगे। देख सकते हैं हमारे द्वारा प्रॉपर इसकी बैंडेजिंग की जा रही है, और यही बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अगर हमारे यहाँ पे चूक हो जाती है तो आगे की स्टेप अब तक अपने आप ही फेल हो जाती है। तो ये हमारा जो है थर्ड स्टेप है इसमें बैंडेजिंग की, वो बैंडेज की जा रही है। बैंडेज करने के पश्चात इसके ऊपर हम फोर्थ स्टेप जो है वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो लार्ज एनिमल होते हैं उसका वेट इतना होता है कि हमारा जो फाइबर कास्ट है या कोई भी पीओपी लगाते हैं वो बिना स्प्लिन के टिक पाना संभव नहीं है और बिल्कुल झुक जाता है। तो प्रॉपर हमारे द्वारा बैंडेजिंग की जा चुकी है लगभग। तो बैंडेजिंग करने के पश्चात इसका जो सेकंड स्टेप है वो है स्प्लिन लगाए जाएंगे, और स्प्लिन को भी बहुत ही अच्छे से टाई किया जाता है ताकि वो अपने जगह से खिसक के नीचे नहीं जाए। तो बैंडेजिंग लगभग ये कंप्लीट हो गई है, और बैंडेजिंग के पश्चात जो सेकंड स्टेप ये फोर्थ स्टेप है हमारा वो है स्प्लिन लगाना। तो स्प्लिन में हम पहले तो स्प्लिन को भी ऐसा तैयार करते हैं कि वो कोई इंजरी नहीं करे, उसके ऊपर कॉटन और बैंडेज लगाते हैं। उसके पश्चात जो स्प्लिन को है सुतली या जो रस्सी के द्वारा बिल्कुल ही अच्छे से टाइट कर दिया जाता, फिक्स कर दिया जाता, और फिक्स करके कन्फर्म कर लिया जाता है कि अब इस जो फ्रैक्चर है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। पूरा फ्रैक्चर का जो सिद्धांत है कि उसमें दो जॉइंट आना चाहिए, और दो जॉइंट आने के बाद उसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मूवमेंट होता है तो आपका जो हीलिंग प्रोसेस है बहुत ही डिले हो जाएगा। और ये हमारे द्वारा बिल्कुल ही स्प्लिन को रस्सी से बहुत ही अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल अब मूवमेंट नहीं है फ्रैक्चर साइड पे, और अब ये जो है फाइबर कास्ट लिया है इसको वाटर में पानी में डीप किया है। पानी में डीप करने के पश्चात इसको बहुत ही फुर्ती से लगाना रहेगा। अगर हमारे पास फुर्ती नहीं है तो ये बहुत ही जल्दी हार्ड हो जाता है। तो इसमें बहुत ध्यान रखने की बात है कि बहुत ही फुर्ती से हम इसको अप्लाई करेंगे, बहुत ही फुर्ती लाना पड़ेगी। और इसमें एक दूसरी बात यह है कि इसमें जो इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो आपको थोड़ा सा टाइट करते हुए भी जाना है, नहीं तो ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। और ये जो है बिल्कुल ही अच्छे से व्रैप हो रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जॉइंट के ऊपर से थोड़ा लेते हैं ताकि इसमें जो है नीचे आपका
जो फाइबर है वो नीचे, कास्ट है वो नीचे नहीं जाए, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से लिया है जॉइंट पे से, तो कि मूवमेंट भी इसमें होता रहे और इसमें नीचे भी नहीं खिसक सकता है। थोड़ा सा इसका जो पैर हमने है टिल्ट किया है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं किया है, ताकि पशु को बैठने और चलने में कोई समस्या नहीं हो। और इसमें दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्चर का जो लेग्स होता है वो हमेशा ही नीचे की ओर रखना है, आप डोर्सल साइड नहीं रखें, उसको वेंट्रल साइड रखें, ताकि जो ऊपर की हड्डी वो फिक्स हो जाए, उसके पश्चात इसमें ट्रैक्शन दे और फिर प्रॉपर फाइबर कास्ट अप्लाई करें। बिल्कुल ये लग चुका है फाइबर कास्ट, अब आपको कुछ नहीं करना है, विथ इन ये सेकंड बहुत ही जल्दी ये सूख जाता है और फिर पशु अच्छे से चल पाता है। आपने देखा ये बहुत ही अच्छा, और आप इसलिए मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।